सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं, दुनिया घर में भी रोती है, बेटे के लिए रोती है, परिवार के लिए रोती है, धन दौलत के लिए रोती है, सुख सुविधाओं के लिए रोती है। संसार का जो रोना होता है ये पाप का परिणाम होता है, लेकिन भगवान की याद में जो रोना होता है, भगवान की भक्ति में जो रोना होता है, भगवान के प्यार में जो रोना होता है, ये पाप का नहीं, ये पुण्य का परिणाम। ये गोपियों के पुण्य का परिणाम, गोपियों के नेत्रों से आंसू निकलते हैं। जो गोपियां नहीं निकल पाई उनके प्राण निकले और प्राणों के साथ वो भगवान के पास पहुंचे। गोपियों को खड़ा देखा जमुना जी के किनारे, भगवान ने कहा गोपियों तुम ये रात्रि के अंधेरे में रजन्ने साधु रूपा, दूसरा इसी का शब्द था रजन्ने साधु रूपा। अरे गोपियों इतनी भयंकर रात्रि है, घोर अंधकार में रात्रि में तुम परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ो, ससुर को छोड़ा, पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, सबको छोड़ करके तुम अर्ध रात्रि में अंधकार में मेरे पास जमुना जी के किनारे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तुम्हारे पति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तुमने अच्छा नहीं किया इसलिए तुम वापस चले जाओ। ये डरावनी अंधेरी रात तुमको काटने तो दौड़ती होगी, जंगली जानवर कहीं निकल करके तुम पर प्रहार ना कर दे, तुमको नुकसान ना पहुंचा दे, तुम्हारे पति भी चिंता कर रहे होंगे, तुम्हारे सास ससुर भी चिंता कर रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे भी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौट जाओ। गोपियां कहती है भगवान हमारे मन को तो आपने चुरा लिया है, हमारे हृदय को आपने चुरा लिया है, और अब चुराने के बाद हम सब कुछ छोड़ करके सब कुछ त्याग करके जब आपके पास आए हैं तो आप हमको वापस कर। ओ हन प्यारे बांसुरी बजाया ना करो, तुम हमारे दिल को चुराया ना करो।